एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंतिका सिंघानिया एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मकर संक्रांत है, तो हैप्पी मकर संक्रांत सबको। और गाइस अभी 9 बज रखे हैं और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो अभी ये देखो गाइस, मतलब देख रहे हो कितना अंधेरा हो रखा है। वो देखो कौवा काफ़ी अंधेरा हो रखा है और 9 बज रखे हैं यार। तो अभी अभी मैंने नहा लिया और नहाने के बाद हमारे यहाँ सबसे पहले मकर संक्रांत के दिन पूजा घर में जाते हैं, तो अभी मैं वहाँ आ गई हूँ। और यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है और ये है मेरा पूजा घर। तो यहाँ पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मकर संक्रांत की ये पहली रस्म होती है, नहाने के बाद आपको सबसे पहले चावल और तिल छूना होता है और उसको साइड रखना होता है। तो गाइस पूजा तो मैंने कर लिया, अब जाते हैं किचन में और देखते हैं किचन में क्या क्या करना है। ठंड लग रही है बहुत। अभी 10 बज रहे हैं और मैं तो एकदम टोपी वगैरह लगा के सेट हो रखी हूँ क्योंकि काफी ठंड हो रखी है यार। मौसम तो चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने और आज के खाने का मेन्यू हटके है थोड़ा सा, चलो देखते हैं। गाइस इतनी ज्यादा ठंड हो रखी है फिर भी हमारे खाने को हमें दिया गया है चूड़ा, दही, चीनी, तिल का लड्डू और कुछ तिलकुट है एंड देन यहाँ पे सब्जी है। इतनी ठंड में भी मानना पड़ेगा मेरे क्रेज को, मैं ये जा रही हूँ खाने अभी। आग लगाने की तैयारी हो रही है, देख लो। तो क्या करूँ मैं, इतनी ठंड है तो क्या करूँ, तुम ही बताओ क्या करूं। यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है, उसी के लिए हम लोग आग लगा रहे हैं। गाइस काफी ठंड हो रखी है, मैंने एक ही लाइन को कितनी बार बोल दिया है व्लॉग में, काफी ठंड हो रखी है, काफी ठंड हो रखी है। लिटरली गाइस काफी ठंड हो रखी है और देख सकते हैं यहाँ हम आग जलाने की कोशिश में जुट चुके हैं। अब देखते हैं आग जलता है या नहीं, काफी मेहनत करनी पड़ती है आग जलाने के लिए। क्या हो गया? सो गाइस हम यहाँ आग, कितनी मेहनतों के बाद हमने आग जलाई है देख सकते हो, और बहुत ठंड लग रही थी तो हम यहाँ आग का मजा ले रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगी? क्या होता है बोलिए, आपको मकर संक्रांत पे क्या क्या करते हो आप बोलो। मैं पतंग उड़ाती हूँ बहुत अच्छे से। पतंग कहाँ है यार, मौसम इतना खराब हो रखा है कि आसमान में नहीं नहीं दिख रही है यार, पतंग भी दिख रही है। हाँ है पतंग है, और हम आग का मजा ले रहे हैं। और गाइज आप लोग कमेंट करो कि आपके यहाँ कितनी ठंड है, हमारे यहाँ तो काफी ठंड है लेकिन ठंड का भी मजा आता है। और देख रहे हो टोपी भी नहीं पहना इसने, मैंने तो पहना है। सो गाइज हम यहाँ आग जलाए हुए हैं और मुझे धुआं नहीं लग रहा और इस धुआं लग रहा है बहुत ज्यादा। ओह गॉड यार, आग जलाने में बहुत मेहनत लगती है आज पता चल रहा है मुझे, कड़ाके की ठंड हो रखी है और मौसम तो चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी 11 बज रहे हैं। हाँ गाइस 11:30 हो रखा होगा और अब तक धूप का नाम और निशान नहीं है, धूप आया ही नहीं। लग रहा है सूरज दादा बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस, और हमें आग कम धुआं ज्यादा मिल रहा है बट ठंड इतनी ज्यादा है ना कि गर्मी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप इसे नहीं पहचानते तो मैं बता दूं, शक्ल दिखा दे। देखो गाइस इस चेहरे को,
अगर आपने इसे कभी नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरी बहन है और आपने इसे लिटिल सिस्टर डज माय मेकअप चैलेंज में देखा होगा। उसमें जो मैंने मेरी शक्ल बर्बाद करी है ना, उसका बदला लूंगी मैं। और बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आएगा वीडियो जिसमें मैं कुछ तो अलग करने वाली हूँ, तो जल्दी से देखना मेरे बदले को और इस लड़की का बदला तो लूंगी मैं। बहुत बर्बाद किया था मेरे चेहरे को, है ना बहना? क्यूट सी है ना गाइस, बहुत क्यूट है। बहुत लोग इसे बोलते हैं कि कितनी क्यूट है ये, क्यूट। बदला आएगा चैनल पे। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हाँ यार, ठंड इतनी लग रही थी ना कि आँख के सामने से उठने का मन ही नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने ना आँख के सामने लगभग 2-2.5 घंटे तो बैठे ही रह गए थे। 2:30 बजे, हाँ गाइस, 11:30 से लेकर 2:30 बजे तक तो हम आँख के सामने ही बैठे थे। और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने चली गई, इसके कारण ब्लॉग नहीं किया। तो अभी 4 बज रहे हैं और मैं अभी पोहा बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। यार डेली लाइफ ब्लॉग है, अब डेली लाइफ में लोग क्या करते हैं पता नहीं, हम तो ऐसे ही अपना डेली लाइफ, डेली रूटीन ऐसे ही करता रहता है हमारा। तो चलो पोहा बनाते हैं। और आज हाँ बता दूं कि आज नो मेकअप डे था मेरा, तो मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है। दिस इज माई रियल स्किन, तो कोई कमेंट मत करना प्लीज। गाइस पोहा बनाने के बारे में तो बोल दिया कि पोहा बनाने जा रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि पोहा अकेले खाऊं या चाय के साथ या कॉफी के साथ, समझ में नहीं आ रहा यार पोहा। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप कुछ बनाने जाते हो और आपको कुछ खाने का मन हो जाता है? मेरे साथ तो डेफिनेटली हर बार होती है। वैसे तो पोहा खाने का मेरा मन हो रहा है तो मैं पोहा तो बनाऊंगी ही, साथ में चाय बनाए या कॉफी, चाय कॉफी। चाय सोच रही हूँ बना लेती हूँ चाय। और गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पोहा तो नॉर्मली जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, बट एक चीज बताऊंगी जो मैं अपने पोहे में डालती हूँ, आप डालते हो या नहीं डालते हो कॉमेंट करना, ओके? पोहा बनाने तो आ गई पर किचन में आई तो पता चला कि प्याज ही नहीं है, मतलब है बट बहुत थोड़ा सा प्याज है, तो यार कम प्याज के पोहा अच्छा लगेगा क्या? चलो आज ट्राई करते हैं कि पोहा कैसा लगता है थोड़े से प्याज में। तो चलो अब बनाते हैं यहाँ पोहा। देख सकते हो आज मेरे ब्लॉग में लंबे से हाँ बहुत लंबे, मेरे फिट ही नहीं आ रहे मेरे कैमरे में, वो झुक के बैठे हुए हैं। मेरी घर नहीं है, मेरा कैमरा है, मेरा बहुत लंबे है। हाँ हो गया 4-5 फुट के। नहीं नहीं 4-5 फुट के नहीं के भाई हैं यानी कि मेरे मामा, बट गाइज वो शर्मीले नहीं है, पर पता नहीं कैमरा देख के उनको क्या हो जा रहा है और इतनी हंसी आ रही है ना हम लोगों को, बता नहीं सकती मैं। अभी मैं चुपचाप लेके जा रही हूँ उन लोगों के पास कैमरा, देखते क्या रिएक्शन आता है। मामा हाय बोलिए। गाइस मैं 4 बजे से अभी आई थिंक 6 बज रहा होगा और अभी तक मेरा पोहा एकदम ठंडा हो गया और मैंने पोहा खाया भी नहीं और चाय तो बनाई ही नहीं। और गाइस ये लोगों को देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारे को देखो, पोज ऐसे दे रखे हैं जैसे फोटो क्लिक हो रहा है। मेरा पोहा ठंडा हो गया, पोहा मैं और ये लोग। गाइस मैं 4 बजे से अभी आई थिंक 6 बज रहा होगा और अभी तक मेरा पोहा एकदम ठंडा हो गया और मैंने पोहा खाया भी नहीं और चाय तो बनाई ही नहीं। और गाइस ये लोगों को देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारे को देखो, पोज ऐसे दे रखे हैं जैसे फोटो क्लिक हो रहा है। मेरा पोहा ठंडा हो गया, पोहा मैं और ये लोग। आपका कच काला है, बल्टे से बल पे चलते हम भी। तो गाइस अभी मामा गए हैं और हम लोगों ने काफी ज्यादा मस्ती करी, काफी हंसे हैं हम लोग। मतलब मैंने सोचा नहीं था ना कि आज पूरा दिन बोरिंग जा रहा था और उस टाइम पे ये आ गए और बहुत ही हंसी आई हमें। सो गाइस मैं ब्लॉग ज्यादा नहीं कर पाई क्योंकि मतलब सबको कैमरे से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसके कारण मैंने ब्लॉग में ज्यादा कुछ नहीं लिया है, बट थोड़ा थोड़ा लिया है यार। बहुत ही हंसी आई और बहुत मजा आया हमें और मैं पोहा तो खा ली,
आप लोगों ने देखा ही होगा, बट मैंने चाय नहीं बनाई यार, मतलब मामा चाय पीते नहीं है, तो मैंने सोचा कि उनके सामने पोहा तो बन गया था इसलिए खा लिया, लेकिन चाय नहीं पीते तो फिर बना के, मतलब वो सामने वाला नहीं पी रहा है, फिर पीना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने चाय अभी नहीं बनाई। अब देखते हैं रात को, क्या पता मेरा चाय पीने का मन हो जाए फिर से, अभी तो कुछ खास मन हो नहीं रहा है, बट अगर मन होता है तो मैं चाय जरूर बनाऊंगी और चाय भी पियेंगे। अब रात को क्या सीन है मेरा, क्योंकि अब तो टाइम हो रखा है, रुक जाओ एक मिनट, टाइम 6:43 हो रहा है, 6:45, तो अब देखते हैं खाना क्या बनता है और क्या खाएंगे हम लोग, और उसके बाद क्या क्या आगे करते हैं। अभी मैं किचन में हूँ और किचन में मैं यहाँ खाना बना रही हूँ रात का डिनर। तो आज मेरे यहाँ रात को बन रहा है खाने में पनीर मटर की सब्जी और चावल, तो मटर पनीर की सब्जी खाएंगे आज, और मटर पनीर मेरा फेवरेट है तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक और पॉइंट वाली बात ये हो गई है कि कनक और मेरा छोटा भाई है अरुण, वो अपने फ्रेंड्स के बर्थडे में चले गए हैं, तो घर के में बस हम चार लोग हैं, और पनीर किस किस को पनीर पसंद है यार, इस बार नहीं बोलूंगी कमेंट करने को, कमेंट में मैंने कितनी सारी चीजें बोल दी है कि कमेंट करो कमेंट करो, तो नेक्स्ट वीडियो में बता देना कि आप लोगों को पनीर पसंद है या फिर नहीं पसंद। तो चलो पनीर की सब्जी बनाते हैं, और अभी 8 बज रहा है, व्लॉग में टाइम बताना भी जरूरी होता है, तो चलो पनीर की सब्जी बनाते हैं। अभी तेल गरम होने को आया है और अभी ठीक से गरम नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो तेल डाला था गरम हो गया है, तो इसमें अब हम धीरे धीरे करके पनीर डाल के पनीर फ्राई करेंगे। गाइस देखो पनीर फ्राई हो रहा है, गाइस मैंने अभी सब्जी चढ़ा दी है यहाँ पे, चढ़ा दी है मतलब फ्राई होने के लिए रख दिया है, और मैंने बोला था ना कि मैं अभी चाय नहीं पी रही हूँ, लेकिन मेरा कभी भी चाय चाय वाला फीलिंग आ सकता है तो मैं चाय पीने लगूंगी। तो गाइस अभी मैंने चाय पीने का काफी मन हो रहा था, तो अभी मैंने चाय चढ़ाई है, और चाय मैं अकेले नहीं पी रही हूँ गाइस, चाय मेरे साथ में मेरी दादी पियेंगी, इसलिए मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, तो चाय पीने जा रहे हैं हम चाय लवर्स, चाय तो हमें बहुत ही अच्छी लगती है भैया। गाइस चाय यहाँ पे बन चुकी है, और ये चाय मेरी नहीं है, मेरी दादी की है, उनको स्टील के ग्लास में चाय पीने की एक बहुत ही बड़ी आदत है। तो गाइस ये है मेरी दादी, दादी एक बार हाय तो बोल दो, बोलो हाय, बोलो ना प्लीज यार अच्छा बनाया चाय। सो गाइस चाय पी रही हूँ यहाँ पे मैं भी, और मैं अपना खाना बनाने वाला जो काम है वो कंप्लीट करना है, दैट्स इट यार, और कुछ है नहीं आज मतलब खास। सो मैं इस ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ, होप यू लाइक इट, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव इट द थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, लव यू ऑल।